गुड मॉर्निंग भी चलेगा अगर आपकी अभी मॉर्निंग हुई है तो हाई गाइज़ वेलकम 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 सईयू सईयू हो आप सब लोग हाउ आर यू ऑल डूइंग टूडे बिफोर वी स्टार्ट सेशन आई थिंक बाल सफेद हो जाएंगे मेरे बोलते बोलते बट आउट ऑफ हिस्ट्री सिविल्स जोग्रफी इकोनॉमिक्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तीन ही चैप्टर्स है जिससे बीस से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ग्लोबलाइजेशन से वन या टू मार्कर आएगा बट उसके अलावा जो बाकी तीन चैप्टर्स है उससे मिनिमम पाँच पांच मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस

होता है जैसे आज इकोनॉमिक्स का लेना है तो एक दिन पहले मैं अपनी ही वीडियोज देख लेती हूँ थोड़े स्पीड में है ना ऐसे कर लिया करो ठीक है मैम विथ स्टैंडर्ड मार्क हाँ ओके बहुत तेज चैट जा रही है पढ़ नहीं पा रही हूँ बीच बीच में पढ़ती रहूंगी ठीक है जय श्री राम टू यू पीबीएफ डी मिलेगा बता देंगे बता देंगे आज पूरा एस फिनिश हो जाएगा बिल्कुल सही बात वेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू रिमेंबर दैट द एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड नॉट विद इट वाह क्या लाइन है जब आपको लगे कि सब मेरे अगेंस्ट जा रहा है मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही मुझे आंसर्स भी याद नहीं हो रहे मम्मी पापा भी प्रेशर डाल रहे हैं लाइट भी जा रही है खाना भी बहुत बुरा मिल रहा है खाने को इफ एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू रिमेंबर कि एरोप्लेन भी विंड के अगेंस्ट जाता है ये दिस दिस वीडियो विल बी इनफ ठीक है मेंटी रही होगा आज का सेशन पढ़ाई वाले बच्चों के लिए मेंटी हम बहुत करते हैं आ, पर वी विल बी डूइंग एम सी क्यूज ऑन द स्लाइड ठीक है योर क्लास नाइन एंड टेन एस एस सी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए इस साल ये मेरा एम था एंड आई थिंक एट टू अ लार्ज एक्सटेंट मैं काफ़ी सारे बच्चों तक पहुंच पाई हूँ अपने पढ़ाने के तरीके से होपफुली आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोग भी अपने जूनियर्स को बताओगे मेरे बारे में और उन सब के सपोर्ट से हम और आगे बढ़े और और ज्यादा मैं अच्छी तरीके से हर साल पढ़ाती रहूँ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल लेट्स आर फोर चैप्टर्स डेवलपमेंट मनी एंड क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज ए टोल्ड यू ये जो तीन चैप्टर्स है सबसे ज्यादा जरूरी है मिनिमम फाइव मार्क्स पर चैप्टर आएगा आपको इन चैप्टर चा, से एंड देन यू हैव ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी जिसे बहुत थोड़ा पार्ट एग्जाम में आ रहा है uh, उसको जब मैं करूंगी तो मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी बताऊंगी सो so डैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए क्योंकि मोस्टली इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं ठीक है थीके? चैप्टर डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है डेवलपमेंट होता है जब आप किसी भी किसी भी इंसान की जिंदगी को बेटर करने की बात कर रहे हो आपके लिए डेवलपमेंट होगा अगर आप क्लास टेन में अच्छे मार्क्स आओ क्लास ट्वेल्व में अच्छे मार्क्स आओ और जो आपके मम्मी पापा कमाते हैं उससे आप एटलीस्ट डबल कमाओ है ना? थी। थी। को ये करना है राइट तो डेवलपमेंट होता है जब आप अपनी लाइफ सिचुएशन बेटर करते हो बट हर एक इंसान का डेवलपमेंटल गोल अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन हिज लाइफ सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन वो इंसान क्या कर रहा है कहाँ पर है है ना अब ये जो टेबल है वही जिसको थोड़ा समझ के और करके जाना इसपे एम सी क्यू भी आता है और वन मार्कर भी आता है ठीक है तो वन लैंडलेस रूरल लेबरर्स जिसके पास लैंड ही नहीं है उसका क्या गोल होगा कि भाई मेरे पास लैंड आ जाए या फिर मुझे बेटर वेजेस मिले बेटर इनकम मिले मोर डेज ऑफ वर्क मिले है ना मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए राइट right? वैसे ही जो प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब है उनके पास पहले से इरिगेशन फैसिलिटीज है पहले से बहुत बड़ा लैंड है तो उनके लिए डेवलपमेंट हुआ कि उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़े गवर्नमेंट उनको अच्छा प्राइस दे उनके क्रॉप्स के लिए है ना दैट वुड बी देयर डेवलपमेंटल गोल जो फार्मर्स है हु डिपेंड अपॉन ओनली रेन फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो लोग कहेंगे कि यार हमें इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए जिससे पानी मिल जाए हमको अपने फील्ड के लिए है ना अच्छा प्राइस पे हमें अपने क्रॉप्स को बेच पाए राइट दैट इज वॉट दे वुड वॉन्ट अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ ऑब्वियसली उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा एक ऐसा जॉब जो सिक्योर हो जो उसको एक अच्छी सैलरी दे है ना अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली अब वो पहले से अमीर है तो उसका डेवलपमेंटल गोल पैसा तो होगा नहीं बट मे भी उसका डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि जितनी ऑपरचुनिटीज उसको भा, उसके भाई को मिलते हैं उतनी उसको भी मिले ठीक है उतनी उसको भी मिले राइट थैंक यू आरोही हाँ यू कैन सेंड मी your आंसर शीट राइट नाउ डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बट दे कैन ऑल्सो हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट be डेवलपमेंट फॉर दी अदर फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे डेवलपमेंट तब होगा जब ये शहर के आसपास के जो स्लम एरियाज है ना जहाँ गरीब लोग रहते हैं उसको हटा दिया जाए और सिटी को ब्यूटिफाई किया जाए अच्छी बात है बट उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है अगर उनको हटा दिए दोगे तो कहां जाएंगे है ना तो डेवलपमेंटल गोल कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होता है यहां पर सबसे पॉपुलर कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन इज अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है बट इट इज कॉन्ट्रोडिक्ट्री टू द ट्राइबल्स जिनका घर सबमर्ज होता है बिकॉज ऑफ डैम्स वो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है जी ट्वेंटी बताइए भाई मैं सब बता दूंगी आपको चिंता ना करो थोड़ा आराम करो ठीक है चलो अब हम बात करते हैं इनकम एंड अदर स्किल्स अब आपको पता है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है पैसा है ना हम पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि पैसे ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम दुनिया में खरीद सकते हैं तो वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज मनी बट मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग मनी कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द वर्ल्ड आप कहोगे मैम ऐसा कैसे पैसा तो बाप है नहीं मतलब ऐसा डायलॉग है मैं नहीं बोलती राइट right? ऐसा तो नहीं है क्योंकि मनी नॉट बाई यू सेल्फ रेस्पेक्ट मनी कैनॉट बाई इक्वल अपॉर्चुनिटी अब एक लड़की बहुत अमीर परिवार की है लेकिन उसको बाहर ही नहीं जाने दिया जा रहा पढ़ाई करने के लिए या फिर यू नो रात को पार्टी करने के लिए राइट सो दैट दैट इज बी हर डेवलपमेंटल गोल एंड मनी के नॉट बाई इट फॉर हर मनी नॉट कैनॉट यू फ्रीडम फ्रॉम इंफेक्शियस डिजीजेस अब कोई डिजीज आ रही है कोविड आ रही है एक सेकेंड ग क्लास म्यू क्लास क्लास ठीक है आपको इन्फेक्शियस डिजीज आ रहा है और कोविड आ रहा है अब कोविड तो नहीं कहेगा ए कितना पैसा है है ना वो तो लग जाएगा आपको राइट इट कू नॉट फ्री यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस वैसे अगर पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट और आप इंडिया में रह रहे हो तो मनी के नॉट बाई यू नॉन पॉल्यूटिंग एनवायरमेंट राइट तो मनी हमें ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में राइट मनी के नॉट बाई यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी इसको इलाबरेट करो एग्जाम्पल दो तो आप ये सब एग्जाम्पल्स दे सकते हो ठीक है Uh, चलो वो हो गया डेवलपमेंट के बारे में अब हम आते हैं नेशनल डेवलपमेंट पे नेशनल डेवलपमेंट मतलब देश के जो सारे लोग हैं उनका उद्धार करना उनका सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना इज नेशनल डेवलपमेंट ऑब्वियसली खुद के डेवलपमेंट अगर इतने कॉन्ट्रीडिक्ट्री हो सकते हैं तो हम सब जो है अलग अलग गोल सोच सकते हैं फॉर आर नेशन वो भी कभी कभी कॉन्ट्रीडिक्ट्री होते हैं बट नेशनल डेवलपमेंट को हम कंपेयर कैसे करते हैं कैसे हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं इन

एड करके आपको नेशनल इनकम मिलता है लेकिन दिस डॉट टेक इन टू कंसिडरेशन पॉपुलेशन मतलब इनकम इंडिया से कम हो लेकिन वहां पर इट इज मोर डेवलप्ड दैट इज बिकॉज नेशनल इनकम डज नॉट टेक इन टू द फैक्ट कंसिडरेशन द फैक्ट की इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा क्लियर यस चलो तो हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं दैट इज टोटल इनकम ऑफ एन एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एवरेज इनकम जैसे एवरेज क्या है इस क्लास का है ना तो यहाँ पर आपकी बुक में एक टेबल भी है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑल तो बहुत टाइम से नहीं आया कि दी एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इलेबरेट तो आप जब इलाबोरेट करोगे तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि कंट्री ए और कंट्री बी है टेबल वेबल बना के जो कंट्री ए का एवरेज इनकम है वो भी दस हजार रुपए है और कंट्री बी का एवरेज इनकम भी दस हजार रुपए है लेकिन आप यहाँ दे सक, देख सकते हो कि कंट्री ए में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना सब लोग जो है ऑलमोस्ट सेम कमा रहे हैं लेकिन कंट्री बी में इन है बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी चार लोग बहुत कम कमा रहे हैं only 1 is earning a lot of money. तो ये चीज पर कैपिटल इनकम हमको नहीं दिखाती पर कैपिटल इनकम डज नॉट टैलॉस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दी पॉपुलेशन हो सकता है आपके स्कूल का टेंथ स्टैंडर्ड का एवरेज नाइन्टी एट परसेंट हो बट ऐसा भी हो सकता है पांच बच्चे फेल हुए हो उसमें है ना कुछ बत, बहुत सारे बच्चों के हंड्रेड आए हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाते एंड इट ऑल्सो इग्नोर दी सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वी ऑल्सो टॉक अबाउट हेल्थ एजुकेशन यू नो फूड और ये सब चीजें पर कैपिटल इनकम अपने कंसिडरेशन में नहीं लेता दैट्स ग्रेट सेवेंटी फाइव और एटी इज गुड मार्क्स बच्चा चलो अब वर्ल्ड बैंक जो है डिवाइड करता है कंट्रीज को इन लो इनकम एंड हाई इनकम कंट्रीज लो इनकम है जो 2500 डॉलर से कम जो है जिसका पर कैपिटल इनकम है per, uh, per इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्री में आता है क्या आपको ये याद करने की जरूरत है नहीं आज सच एग्जाम में आता नहीं नॉर्मली ठीक है इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्री है राइट चलो अब आई वी हैव ऑलरेडी सेट पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल इंडिकेटर क्योंकि हमें नहीं बताता कि कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस रीजन ऑफ अ कंट्री रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में नहीं बताता और ये हमें बाकी इंडिकेटर्स के बारे में भी नहीं बताता जैसे हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अगर हम इस टेबल को देखें हरियाणा केरला बिहार तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है किसका है सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम है हरियाणा का है ना लेकिन वहीं अगर हम इस टेबल को देखें दैट टॉक्स अबाउट इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट लिटरेसी रेट नेट अटेंडेंस रेशियो तो कहानी कुछ बदल जाती है अब कहीं वन मार्कर की तरह कभी कभी आता है तो ध्यान से सुनना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु संख्या मृत्यु संख्या मतलब हाउ मेनी पीपल आर डाइंग है ना तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर डाइंग बिलो द एज ऑफ वन पर ठीक है है हजार हजार बच्चों में से हजार याद रखना डिनोमिनेटर कितने बच्चे मर रहे हैं बिलो द एज ऑफ इज इन्फेंट दिटी रेट और इन्फेंट फैंट रेट को अगर हम देखें तो सबसे कम बच्चे किस स्टेट में मर रहे हैं केरला सेवन ओनली सेवन चिल्ड्रेन आर डाइंग आउट ऑफ थाउजेंड चिल्ड्रेन राइट वैसे लिटरेसी रेट क्या है लिटरेसी रेट मतलब कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सेवन इयर्स के ऊपर जो है उन्हें पढ़ना लिखना आता है में आता है. तो यहाँ पर भी 94 of the population को पढ़ना लिखना आता है केरला में वाह हम सब वहीं शिफ्ट हो जाते हैं फिर आता है net attendance ratio. Net attendance ratio होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप फोर्टीन एंड फिफ्टीन स्कूल कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन उस एज ग्रुप के ट केरला right? में बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं आपके यहाँ तो मस्त अटेंडेंस होती होगी स्कूल में फ्यूजन गेम्स डेवलपमेंट मीन मिक्स ऑफ गोल्स में समझा चुकी हूँ जिसमें आपको मनी और वो सब लिखना होगा है yeah, ना कि लोगों को इनकम uh, भी चाहिए और लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए इक्वल अपर्चुनिटी भी चाहिए डिग्निटी भी चाहिए ऑल ऑफ दैट राइट right. तो यहां पर आप अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि केरला डिस्पाइट हैविंग अ लो पर कैपिटल इनकम इज स्टिल कंसिडर टू बी मोर डेवलप्ड देन अदर स्टेट्स या व्हाई डज इट हैव व्हाई इज इट मोर डेवलप्ड देन पंजाब इन हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स कुछ भी ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन है तो आप तीन इसमें फोकस पॉइंट्स रख सकते हो पहला क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे उन्होंने हेल्थ पे इन्वेस्ट uh, किया है एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है और वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब अच्छा है जिसके वजह से फूड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तो ये जनरल पॉइंट्स याद रखो कोई भी ऐसा कोई कुछ उठा हुआ क्वेश्चन आया ये तीनों पॉइंट लिख के आ जाना ठीक है हेल्थ एजुकेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राइट चलो तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ मनी इन योर पॉकेट्स में नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव वेल अगर एक बच्चे ने जैसे पूछा कि मैम डेवलपमेंट जो है इट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स तो उसमें भी आप बोल सकते हो कि इनकम इज नॉट द ओनली थिंग दैट पीपल डिजायर टू डेवलप दे माइट ऑल्सो डिजायर नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी इक्वालिटी फॉर एक्जाम्पल आप लिखो अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर जॉब माइट नॉट ओनली लुक फॉर मनी इन द जॉब बट ऑल्सो फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन है ना एक्साम्पल भी लिख सकते हो ठीक है

है ना नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड प्राइवेट हेल्थ केयर प्राइवेट स्कूल्स तो जिससे कि पोरेस्ट ऑफ तो द पोअर गेट द बेसिक सर्विस गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है और दूसरा दे आर चीपर कलेक्टिवली अब अगर सिर्फ आप ही स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ी ना स्कूल बनेगा तो ज्यादा चीपर होता है जब गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करती है और आप साथ में जो है अपनी फीस पे करते हो

ओके नाउ दिस इज टेक्निकली नॉट इन द सिलेबस बट क्योंकि जनरल क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था तो मैं करवाना चाहती थी आपके ना एनसीईआरटी में ये टेबल दी गई है क्वेश्चन बॉक्स में अगर आपने बॉक्स देखा है जिसमें लिटरेसी रेट दिया गया है ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड लिटरेसी रेट में देखा गया है कि वुमेन का जो लिटरेसी रेट है ओ वुमेन का जो सॉरी सॉरी वुमेन का जो लिटरेसी रेट है दैट इज मच मच लेस हाँ भाई दिख गया ऐसा जनरल क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे क्यों है ऐसा कोई भी पॉइंट लिख सकते हो सब सही है इसीलिए हम पेट्री सोसाइटी में रहते हैं जहां पर बॉयज आर सेंट टू स्कूल पर लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती है इसलिए लिटरेसीक ऑफ इनकम पॉइंट छुपा रही हूँ लैक ऑफ इनकम और क्योंकि दिमाग कम है आपका कम होगा इसलिए बकवास लिख रहे हो लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी यस, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, है ना इसके रीजन की वजह से जब स्कूल ही नहीं भेजा जाएगा तो लिटरेसी कैसे आएगी है ना तो इसके लिए गवर्नमेंट गा, बहुत चीजें कर सकती है अब अगर आया ऐसा जनरल क्वेश्चन कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है गवर्नमेंट अवेयरनेस बढ़ा सकती है अब इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्कीम्स निकाल सकती है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिड डे मील स्कीम जिससे पेरेंट्स जो है इंसेंटिवाइज हो टू सेंडेर गर्ल्स टू स्कूल राइट right? तो इस तरीके से जनरल पॉइंट्स मैं बता रही हूं कि कभी एग्जाम में आ जाए तो कुछ आप लिख सकते हो ठीक uh, है चलो नेक्स्ट पार्ट गाइस आई फेमिनिस्ट है ज्यादा ना लिखने का उसमें टॉक अबाउट बॉडी मास इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स एक और इंडिकेटर है जो दिखाता है कि नरिशमेंट लेवल कैसा है देश में है ना फॉर एग्जाम्पल पैसा होना काफी नहीं होता बहुत सारे फैमिलीज में देखा जाता है कि पैसा होने के बावजूद जो लड़कियां होती है जो वुमेन होती है फैमिलीज की वो अंडर नरिश होती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट राइट तो एनी तो इसमें आप बस अपना ये जान लो कि फॉर्मूला क्या है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर है ना बस ये सब जानने की जरूरत नहीं है बस वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इज द बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए हाइट मीटर्स में ठीक है चलो नाउ आई कम टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अब हमें पता है कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट इंडिकेटर टू कंपेयर कंट्रीज तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ये एक यू uh, नो you know, uh, एक uh, <laughs> ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है दैट टेक्स थ्री फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन हेल्थ एजुकेशन पर कैपिटा इनकम वाइल इट कंपेयर्स कंट्रीज आज जो है इंडिया की रैंक वन है विच इज वेरी लो आपकी बुक में वन लिखी हुई है ठीक है क्योंकि क्यों वो पुराना सेटिक्स है बुक वाला याद रखना वन है ना एक है इंडिया की रैंक जो काफी कम है हमें काफी इंप्रूव करना है और राइट right. uh, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए वट इज द डिफ्रेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो आपको पता है यहाँ पर कैपिटल इनकम देखा जाता है या तीनोंटर इंडिकेटर, इंडिकेटर्स देखे जाते हैं ये बहुत लिमिटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट देता है ये एक ओवरऑल व्यू ऑफ डेवलपमेंट देता है इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो ठीक है चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द रेट एट विच वी आर यूजिंग रिसोर्सेज राइट नाउ वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे दे विल बी नथिंग लेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड हम लोग इनका बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है जिसके वजह से जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें सो दैट समथिंग इज लेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन है ना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इट विल नॉट जस्ट लीड टू द डिस्ट्रिक

तो अगर ये आया एग्जाम में तो आप पहले लिखोगे कि पहले सेम लाइन लिख दोगे फिर कहोगे कि एनसीआर ने दिया था मैंने महात्मा गांधी जी ने हाँ गांधी जी ने ही बोला था वॉइस लो गया हेलो हेलो, गई वॉइस लो तो नहीं है एक बार तेज कर लो है ना ईयरफोन लगा लो ठीक है तो हाँ आप पहले बताओगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट लेस्टर ब्राउन ने बोला था उट फी ने आई थिंक ये बोला था कि हमें दुनिया विरासत में नहीं मिली है हमने इसको अपने आप लोगों से आप बच्चों से जो है बोरो की है तो इसमें आप पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो बताओगे डेफिनेशन फिर आप कहोगे कि ये जरूरी है क्योंकि हम रिसोर्स को ओवर एक्सप्लोइ कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है फिर आप एग्जाम्पल दोगे दो पहला ग्राउंड वाटर कि हम लोग जो है ग्राउंड वाटर जिस रेट पे यूज़ कर रहे हैं स्पेशली एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरिस्ट स्टेट्स जैसे पंजाब हरियाणा ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है वी हैव ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज ग्राउंड वाटर हैज नाउ बीन ओवर राइट right? दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज uh, जैसे क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड क्योंकि वी 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 आर आर इट एट सच अ हाई रेट तो द द क्रूड ऑयल दैट हैव लेफ्ट इन वर्ल्ड इज ओनली फॉर द नेक्स्ट फिफ्टी ईयर सिर्फ पचास साल का बचा हुआ है दिस विल यू नो ये हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा है ठीक है तो द, द, दीज टू पॉइंट्स यू कैन राइट राइट चलो लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट कितने मार्क्स का आएगा तो एज आई टोल्ड यू फाइव टू सेवन मार्क्स का जो है ये आएगा ठीक है फाइव टू सेवन मार्क्स का आएगा इसे एक ना एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा तो इस चैप्टर के ऑल्डो मैंने टेबल्स हाँ, आपको कराए हैं बट फिर भी जब आप रिवाइज कर रहे हो इसको एनसीआर को इकोनॉमिक्स एनसीआर को खोल के आपको पढ़ना है सिविल जोग्रफी हिस्ट्री के लिए मैं बोलती हूँ मेरे नोट्स काफी है बट इकोनॉमिक्स के एनसीआरटी के टेबल जरूर देख लेना ऑल्दो यहाँ सब कुछ है फिर भी ठीक है एंड केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो दिस चैप्टर इज सुपर इजी फॉर यू लेट्स डू सम क्विज साम

टोटल ऑल राइट इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ब्रॉट आउट डैश पर कैपिटल इनकम क्राइटेरिया इज़ कंट्रीज यू एन डी पी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश ग्रुप सेवन एंड अब प्लीज याद रखना ठीक है एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसिस विचलोइंग स्टेट दाइएस्ट लिटरेसी रेट अब आपको रहा लिटरेसी रेट हेल्थ एजुकेशन कुछ भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था टेबल दे दी गई थी और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाइएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो सबसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है बी होगा प्रीवियस का नहीं बेटा केरला है ना जो आपके बुक में है बस वही लिखो राइट right? तो आंसर यहां पर क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छा श्रीलंका का है श्रीलंका है ना श्रीलंका है सेवेंटी थ्री दैट्स वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर कितने कॉन्फिडेंट हो आप डेवलपमेंट चैप्टर से अगर आपको इसे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जनरल क्वेश्चन आ जाए वन मार्कर क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे ना सात मार्क्स के क्वेश्चन है ना सेवन मार्क्स सेवन मार्क्स इन योर पॉकेट यस बेटा सिविल वॉर इन श्रीलंका इकोनॉमिक्स में नहीं सिविक्स में था कल कर लिया हमने कल या परसों गुड और हाँ ठीक है तो बिफोर मूव ऑन आई हैव सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू अगर आप हैदराबाद के हो तो कुल्लू भैया अभिषेक सर रमा मैम रंजीत सर से मिलने का आपको एक बहुत बेहतरीन मौका मिलने वाला है तो दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन दोर्थ ऑफ फेब्रवरी विच इज अ संडे है ना दे आर गोइंग टू गो टू हैदराबाद क्योंकि वहां पर हमारा ऑफलाइन सेंटर खुलने वाला है वहां पर होगा मैथ्स और साइंस का मैराथन क्लास टेन के लिए तो इफ़ यू आर देयर डेफिनेटली गो बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड यू कैन मीट योर फेवरेट टीचर्स ठीक है सो मेक श्योर दैट यू गाइज गो देर एंड मीट देम और मजे करके आना कैलकुलेशन क्वेश्चन चाहिए अच्छा बताओ आखिरी में करेंगे मैं भी कभी मिलने आऊं यार मुझे तो ना बुलाते ही नहीं मैं बताऊं मुझे तो बुलाते ही ओके मैम थर्ड रॉन्ग है क्या रॉन्ग है भाई ये रॉन्ग नहीं है ना बांग्लादेश का वन थर्टी फोर्थ रैंक है उसका सेवेंटी थर्ड रैंक है क्या रॉन्ग है सब सही है जो मैंने बोला वही सही है ठीक है वो वो, right, let's, कानपुर में, इकोनॉमी okay, okay, अगर आपने वीडियो को अभी तक अप नहीं दिया है जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स यूएन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रॉन्ग कोई और निकालता है क्या बोल रहे हो हाँ? अच्छा सॉरी सॉरी इट इज वर्ल्ड बैंक हाँ यू गाइज आर राइट इट इज वर्ल्ड बैंक इट इज वर्ल्ड बैंक हाँ इट इज वर्ल्ड बैंक लूज आउट कर लिया मैंने वन मार्क इजी चैप्टर में ऐसी गलती मत करना में टेस्ट कर रही थी आप लोगों को हा 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 हाइज टू दैप्टर सेक्टर शुड बी ऑन यूर टोज राइट यू गाई शुड बी ऑन यूर टोज कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर लेट से अगर मैं इकोनॉमिक्स इन जनरल की बात करूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है तो वो ये है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिससे मुझे लगता है वन मार्कर भी आएगा टू मार्कर भी आएगा फाइव मार्कर भी आएगा यू you नो know, तो काफी सारे मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं और आएंगे और कॉम्पिटेंसी वाले आएंगे तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना इजी है वैसे कुछ है नहीं इस चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है जहाँ पर लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं वो किस तरीके का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं उसको हम तीन अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री में होता है फिर आता है आपका टर्शरी सेक्टर हाउ इज टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि यहाँ पर कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा यहाँ सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड होती है hmm. For example, transportation, advertisement, all of this is in the service sector, tertiary ठीक है उ डू वी कंपेयर द्री सेक्टर्स हम कैसे बोले कि टर्शी सेक्टर बाकी सब सेक्टर से ज्यादा प्रोडक्शन करता है ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द नेशनल इनकम वी कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है द एडिशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर फॉर अयर एट द एंड ऑफ अ ईयर उसको आप बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंटरमीडियरी गुड्स की वैल्यू नहीं लेते इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी फैक्ट्री में शुगर प्रोड्यूस हो रहा है और ये शुगर डायरेक्टली कंज्यूमर खा रहा है तो इट इज़ अ फाइनल गुड बट ये शुगर अगर किसी फैक्ट्री में जा रहा है ब्रेड बनाने के लिए और फिर वो ब्रेड जो है हम खरीद रहे हैं तो इट इज नॉट एडेड इन द जी डी पी वाई क्योंकि दैट शुगर का जो कॉस्ट है इट हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द ब्रेड ठीक है तो इसीलिए आपको बस क्या याद रखना है यहां पर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इन दैट पर्टिकुलर ईयर क्यों हम ऐसा करते हैं क्योंकि द वैल्यू ऑफ गुड्स हैज ऑलरेडी बीन एडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है ना चलो समझ आ गया आपको ये बात चलो लेट्स मूव ऑन तो हाई जिसका हाई जीडीपी होगा वो देश जो है ज्यादा डेवलप्ड होगा क्योंकि वहां ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया जो है वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी बल्कि अब बहुत अब आई थिंक फोर्थ हो गया है बट फिफ्थ लार्जेस्ट एंड देन द अमेरिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जी ठीक है चलो ना व्हाट आर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर एक जमाने में सबसे डोमिनेंट सेक्टर हुआ करता था जहां पर लोग काफी एग्रीकल्चर करते थे जब एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आने लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर बड़े बड़े लैंड पे करने लगे फिर जब मैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर बढ़ने लगा सो वी सॉ लार्ज नंबर ऑफ पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू द मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर है ना सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट बट फिर टर्शरी सेक्टर आया इन द प्ला 100 हंड्रेड ईयर्स सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को और उसने लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट दिया तो अगेन हमने एक शिफ्ट देखा इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द टर्शरी सेक्टर तो डेवलप्ड कंट्रीज में नॉर्मली इस तरीके का पैटर्न चलता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्या हुआ इंडिया में तो ये आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ जीडीपी की अगर हम हाँ बात करें तो इट इज वेरी सिमिलर टू डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इन द पास्ट फ्यू इयर्स बड़ा लेकिन सबसे ज्यादा क्या बड़ा टर्शरी सेक्टर टुडे टर्शरी सेक्टर इज इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी डी पी वहां पर सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है वहां सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है राइट दैट इज द शेयर ऑफ सेक्टर्स ठीक है ना वाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया वेरी रिपीटेड क्वेश्चन चार पॉइंट्स आपको याद रखने पहला इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बेसिक सर्विसेज जैसे ही देश डेवलप होने लगे लोग जो है डिमांड करने लगे बेसिक सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स हो गए पोस्ट ऑफिस यू नो you स्कूल्स know, अच्छी रोज इस तरीके के डिमांड्स लोगों की होने लगी है जिसके वजह से टर्शरी सेक्टर ज्यादा का ग्रोथ होने लगा है राइट सो ग्रेटर द डेवलप

हो तो इतना ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं उसे आपका टर्सरी सेक्टर ग्रो कर रहा है राइट रीजन थ्री इज इंक्रीज़ इन द इनकम लेवल क्योंकि अब मिडिल क्लास काफी बढ़ गया है लोग जो है डिमांड करने लगे हैं सर्विसेज जैसे टूरिज्म शॉपिंग गोइंग आउट टू ईट जिसके वजह से टर्सरी सेक्टर काफी स्पेशली जो सर्विसेज है टूरिज्म uh, रो रेस्ट्रॉ ये सब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है फोर्थ इज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आई इन द लास्ट ट्वेंटी इन वी हैव सीन अ ग्रोथ इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना ज्यादा से ज्यादा न्यू सर्विसेज प्रोवाइड होने लगी है विच हैज लेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर क्लियर चार पॉइंट्स है चार पॉइंट्स लिख के आ जाना इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पॉइंट होगा लेकिन वो फर्स्ट पॉइंट में डाल सकते हो ना कि बेसिक सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड हो रहा है ठीक है नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई टर्शरी सेक्टर काफी ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हवेवर इंडिया में एक अलग चीज देखी गई है वो ये कि प्राइमरी सेक्टर आज भी इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना उसके बाद टर्शरी उसके बाद सेकेंडरी आज भी जो है ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही काम करते हैं तो क्वेश्चन आता है वाई हैव पीपल नॉट शिफ्टेड आउट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया अब इसका एक मेजर रीजन है कि इतनी जॉब्स आई नहीं इंडिया में इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर दूसरा मेजर रीजन है कि एग्रीकल्चर जो है हमारा अब ये जनरल पॉइंट बता रही हूं ठीक है कि एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ एक एज ओल्ड ऑक्यूपेशन है ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट ऑक्यूपेशन है है ना इसको इनहेरिट किया जाता है तो पीपल जो है कंटिन्यूड टू डू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में एक मेजर प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है व्हेन यू हैव मोर पीपल वर्किंग आर आर एक्चुअली नीडेड एक्चुअली रिक्वायर्ड तो एक फील्ड में जैसे तो लोग चार लोगों से भी काम चल जाएगा बट वहां दस लोग काम कर रहे हैं तो छह लोग देखने में लग रहा है काम कर रहे हैं बट एक्चुअली बेरोजगार है वो कुछ एड नहीं कर रहे टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड उनको हटा भी देंगे तब भी पांच के जी गेहूं ही प्रोड्यूस होगा 你给。

ती है जब बीज बोना होता है और हार्वेस्ट करना होता है और बाकी के टाइम वो बेरोजगार होते हैं ठीक है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में काफी इसको देखने को मिलता है, में भी यू सी इन एग्रीकल्चर ठीक है नाउ द नेक्स्ट मेजर रिपीटेड क्वेश्चन इज कि आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हो रूरल एरियाज में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि आप विलेज हेड हो आप क्या मेजर्स लोगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने बढ़ाने के के लिए rural income को के लिए रूरल इनकम को आपको क्या क्या करना चाहिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ठीक है तो इसमें आप पांच पॉइंट बताओगे बहुत पॉइंट बता सकते हो पहला है कि गवर्नमेंट जो है चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को जिससे कि वो इन्वेस्ट करें अपने इनपुट्स पे जैसे फर्टिलाइजर मशीनरी ट्यूब वेल्स और ज्यादा क्रॉप ग्रो कर पाएंगे मल्टी क्रॉपिंग ईयर एंड एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी दूसरा को एम्प्लॉयमेंट मिले बल्कि फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी भी मिलती है जिससे एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन में स्टोरेज में इन्वेस्ट कर सकती है जिससे कि अगेन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले चौथा है अच्छा स्टोरेज में अगर इन्वेस्ट करेगी तो फार्मर्स विल बी एबल टू तो सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर रेट एट अ गुड टाइम है ना जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी वैसे ही टूरिज्म अर्बन एरियाज में क्या कर सकती है सरकार वहां पर टूरिज्म बढ़ा सकती है है ना एजुकेशन पे जो है इन्वेस्ट कर सकती है जिससे पीपल गेट एजुकेटेड एजुकेट एंड दे आर एबल टू तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू तो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है ना दे माइट गेट अ हाई पेइंग जॉब तो इस तरीके से गवर्नमेंट चीजें कर सकती है अच्छा पर इन सब को करने में सरकार को बहुत टाइम लगता है है ना पर लोग तो अभी भूखे हैं लोग तो अभी गरीब है तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी निकालती है टू एंश्योर दैट मनी कम्स टू द पीपल राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल एम जी नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको राइट टू वर्क भी बोला जाता है जहाँ सरकार बोलती है कि हाँ हम समझते हैं कि आप पूरे साल आपको काम नहीं होता बीच बीच में आप बेरोजगार होते हो तो हंड्रेड डेज ऑफ गारंटीड वर्क दिया जाता है रूरल पॉपुलेशन को बोथ मैन एंड वुमेन वुमेन को वन थर्ड वुमेन बल्कि यहाँ पर रिजर्व uh, भी है कि इतना तो वुमेन को देना ही पड़ेगा वेर दे आर गिविन वर्क फॉर हंड्रेड डेज एंड दे आर पेड अकॉर्डिंग टू दैट अगर काम ही दे पाती सरकार तो दे आर गिविन एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कि भाई काम नहीं दे पाए पर सौ दिन के काम का ये पैसा लो राइट इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फाइव एंड सिक्स डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में फैल गया है राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हर चैप्टर का मिनट आ चुका है बच्चा देख लेना कुछ कुछ चैप्टर्स बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्किंग कंडीशन आप एम्प्लॉयमेंट को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब गाइज एक एमसीक्यू तो डेफिनेटली आएगा कैसे एमसीक्यू आएगा कांता जो है वो ऑफिस में काम करती है उसको सैलरी मिलती है वो छुट्टी लेती है तो उसको पेड बेनिफिट भी मिलता है पेड uh, सैलरी भी मिलती है वो कौन से सेक्टर में काम करती है है ना या फिर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ सकता है कॉम्पिटेंसी वाला जिसमें पूछा जाएगा कि uh, कि चंदू जो है ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग इन वर्किंग इन शॉप क्योंकि जब वो सिक होता है तो जो है उसकी वेजेस uh, काट ली जाती है बिकॉज ऑफ विच ही इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल एवर ऐसा टाइप तो वाई इज ही नॉट हैप्पी उसको कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए और क्यों ठीक है इस तरीके से यू माइट गेट अ क्वेश्चन तो वट द क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स पढ़ के जाने हैं क्या फीचर्स है आपको समझना है कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इट इज़ रेकग्नाइज बाई द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के रूल्स के बेसिस पे काम करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का को कोई को कोई रिकोग्नीशन नहीं मिलती बाई द गवर्नमेंट पोअर्ली स्ट्रक्चर्ड होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड बेनिफिट्स मिलते हैं मेटर्निटी लीव्स मिलती है uh, अगर आप छुट्टी ले लो तो आपको पेड हॉलीडेज uh, मिलते हैं यू नो मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पर ऐसा को, कोई कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता करा जाता यहाँ पर गवर्नमेंट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है नो सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फिर आप अपने आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर नो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जॉब्स होती है वो नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर होते है मेजर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसा क्यों है कि लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं अगर वो इतना बुरा है तो इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स नहीं है इतने नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है कि सब लोग शिफ्ट कर जाए दूसरा प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ स्किल पीपल के पास अभी लोगों के पास स्किल ही नहीं है जिस जो जिसके वजह से वो अप्लाई कर पाए टू सच हाई पेइंग जॉब्स दे डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज ठीक है ये दोनों इसके मेन रीजन है नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट पीपल इन दिनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या गवर्नमेंट कर सकती है कोई भी कर सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर पाए रूरल एरियाज में जो फार्मर्स है इसको ये हमने काइंड kind ऑफ of कर रखा है कि फार्मर्स को आप लोन दे सकते हो सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन रॉ मटेरियल आप रूरल एरिया में चीप क्रेडिट दे सकते हो जिससे कि वहां के लोग अपना एंटरप्राइज खोल पाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ले पाए अर्बन एरियाज में भी चीप क्रेडिट आप एग्जाम्पल दे सकते हो और माँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प कर सकते हो इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल ठीक है जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट और मार्केटिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हो जिससे वो सामान बेच के अच्छा पैसा कमा पाए तो उसमें जनरल पॉइंट्स आप लिख सकते हो ठीक है

रेलवे हो गया पोस्ट ऑफिस हो गया टाटा गवर्नमेंट प्रोवाइडेबिलिटी पहला कि भाई सब लोग जो नहीं कर पाते। Second, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है जैसे लॉ एंड ऑर्डर कोविड वैक्सीन राइट और uh, एक और था ना एफोर्डेबिलिटी कपेसिटी या केपेबिलिटी

चलो अब दिस चैप्टर इज ओवर बल्ले बल्ले अगर हम इसको समझे कि भाई इस चैप्टर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस चैप्टर कैन कम फॉर ऑलमोस्ट थ्री टू एट मार्क्स ज आई टोल्ड यू एम सी क्यू तो आएगा ही आएगा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आएंगे ऑर्गनाइज सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है रूरल और अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कैसे पब्लिक सेक्टर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बस पब्लिक सेक्टर के बारे में लिखो और बोलो कि जब तक ये बेसिक सर्विसेस लोगों को मिलेगी तभी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेलरेट होगा ऐसे शब्द लिख दो बस हो गया ठीक है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एक पब्लिक फैसिलिटी है ठीक है बता दो अ डेली वेज लेबर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर भैया ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट ये नहीं है हैंडलूम बीवर ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ठीक uh, है नरेगा हैज गारंटीड डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन मेनी डिस्ट्रिक्ट कितना है हंड्रेड डेज ये तो बहुत आसान था हंड्रेड डेज क्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है जो सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है तो आंसर इज यस टर्शरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन बिग कंपनीज कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन को बाई इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टिजमेंट नहीं डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की बात हो रही है

When people are working less than what they are capable of doing, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है बता दो मुझको आ गया चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंट हो? होस yes? ओके okay, एक सेकेंड दो मुझे <laughs> कहा है कहा है? Okay. Right. So चल रहा है हमारा सेशन चलो देखते हैं मैम uh, सुरभि पार्टी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी क्या लिख रहे हो भाई ये आंखों के आंसू दिल से ही आते हैं पर पता नहीं क्यों ओ माई गॉड कुछ तो कुछ तो भाषा है यहाँ पर राइट right, क्या है ओके okay. तो okay, so आप लोग लिखते रहो है ना वीडियो को थम्स अप दे दो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो एंड आई व शो यू वेर यू कैन गेट द पी डी एफ ऑफ एवरी सेशन अगर आप यहाँ जाओगे डाउनलोड हैंड रिटन नोट्स कल के नोट्स में अभी अपडेट करना भूल गई अभी आ जाएगा वो भी ठीक है तो यहाँ पर यू विल बी गेटिंग है हाँ, यहाँ पर यू विल बी गेटिंग अ शीट ठीक है इस शीट में अगर आप नीचे जाओगे एवरीडे नोट्स में तो यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे कल जो मेरा सेशन था उसका पीडीएफ मैं अपडेट कर दूंगी है ना मैं करनी पाई थी बट वैसे आपको यहाँ पर जैसे सिविक्स वन शॉट हमने किया था तो सिविक्स वन शॉट का अगर आप लिंक दबाओगे तो यू विल गेट द एंटायर पी राइट हियर ठीक है तो आपको पूरा पी डी मिल जाएगा अलॉन्ग विद एवरी सिंगल थिंग दट आई डिड इन क्लास इससे बड़ा रिसोर्स आपका कुछ और हो ही नहीं सकता फॉर बोर्ड एग्जाम्स जो हम 20 पी वाई की सीरीज कर रहे हैं अगर आपने वो सारे चैप्टर्स के कर लिए जो मैं यहां कराती हूं

पता फ्री मुफ्त 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 ऑल राइट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट टेक माय नेम हाय रोहन यो यो एक सेकेंड चलो आगे बढ़े ब्लैक स्क्रीन किसको आ रही है भाई फिर तो आपके फोन में ही प्रॉब्लम है जोग्राफी करवा दिए कितनी बार करेंगे जोग्राफी Chalo, let's take a very small break by doing match uh, spot the difference and then we are going to move on to the next chapter. Shout out do Achha. Tanisha Star, bird. Ha, bird bird is right. Ball. Ball is also right. Flower on shirt, flower on shirt is also right. Football हो गया Door color, door color. कौन सा डोर कलर सेम ही लग रहा मुझको ओके okay, कुछ तो आपको दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है विंडोज वि अच्छा विंडो का कलर कुछ अलग है क्या ओके oh, ओके okay, okay. ठीक तो है ना डिफरेंस हो गया बस ब्रेन टीजर हो गया आपको दिख गया ना नहीं फाइव मार्कर नहीं आएगा जी ट्वेंटी से पक्का पक्का नहीं आएगा फाइव मार्कर जी ट्वेंटी से अगर आता है ना तो एज अ ऑप्शन आएगा बट नहीं आएगा ठीक है, राइट ब्रेक right, हो गया चलो लेट्स मूव ऑन टू मनी एंड क्रेडिट गाइज इसमें ना जो अभी मैं कराने वाली हूं इसमें मैंने इस तरीके से आज का सेशन बीच बीच में बनाया है सो दैट डायरेक्टली आप अपना आंसर लिख पाओ बहुत सारे बच्चों को क्योंकि यहाँ से फाइव मार्कर आने की संभावना ज्यादा होती है तो क्या करते हो ना आप लोग आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करते हो आपने नोटिस किया होगा कि या तो आप, आपको थ्री थ्री एंड द हाफ फोर फोर एंड द हाफ मिलते हैं बट फाइव नहीं मिलते एंड द मेजर रीजन फॉर दैट इज दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर बट यू डोंट नो कौन से क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हो सकता है कि क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्करेज करना चाहिए इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं तो आप लोग ना थोड़े मिक्सअप करके लिखते हुए मुझे तब पता चला जब आप लोगों ने मुझे अपनी आंसर शीट भेजी तो ध्यान से आप सुनना मैं आपको बताऊंगी हर एक पार्ट के लिए आपको कैसे आंसर लिखना है एंड दिस चैप्टर विल बी बात डन अगर आपने सिर्फ ये किया तब भी चैप्टर खत्म ठीक है चलो शुरू करते हैं मनी एंड क्रेडिट मनी पैसा क्रेडिट उधार पैसा, पैसा और उधारी Hey na, what is money? How does money act as a medium of exchange? Medium. मनी जो है इट एक्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू बाय डिफरेंट कमोडिटीज और सर्विसेज जो हमें चाहिए होता है अगर हमें कुछ चाहिए हम पैसा देते हैं और उसको खरीदते हैं तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज राइट इन आर एवरी डे लाइफ हम काफी ट्रांजेक्शन करते हैं इन्वॉल्विंग मनी एंड टूडे मनी कैन बी यूज एज कॉइन्स एंड डिमांड डिपोजिट राइट बट पहले क्या यूज करते थे बिफोर द कमिंग ऑफ मनी हम लोग करते थे बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम होता था जहां पर अगर आपके पास जूता है और मेरे पास चॉकलेट है आपको चॉकलेट चाहिए मुझे

रिमोट है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे है ना इधर उधर ढूंढना पड़ेगा मुझे एक, एक ऐसा इंसान जो अपनी चीज बेचना चाहता है और मुझे वो चाहिए सो डबल को मेजर कंडीशन फॉर बाटर सिस्टम आता है इस पे बस इतना समझ लो एंड दैट इज मनी का एवोल्यूशन हुआ बिकॉज इट एक्स एज अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज राइट मनी जो है uh, as you, मतलब इवेंचुअली आप देख सकते हो पहले काटल को यूज किया जाता था फिर क्वेंस नोट, अब नोट्स अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड जीपे तक भी आ गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कॉइंसिडेंस ऑफ़ वांट्स लिमिटेशन क्या है बैक्टर सिस्टम का डबल कॉइंसिडेंस ऑफ़ वांट्स है इस तरीके से अब ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं बट टू मार्कर आ सकता है ठीक है ना अलग अलग फॉर्म्स ऑफ़ मनी होता है

सेंट्रल अथॉरिटी है इंडिया में इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरा इसलिए इसको इसीलिए भी एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज़ टुडे नो वन कैन रेफ्यूज पेमेंट इन योर नेशनल करेंसी एंड ऑब्वियसली आप कोई यू नो पाउंड वाउंड दे रहा होगा मना कर सकते हो बट नेशनल करेंसी को आप मना नहीं कर सकते इट इज नॉट अलाउड यू कैन नॉट रिफ्यूज इट ठीक है 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 तो दीज आर मेजर अब अनदर अनदर वे फॉर्म ऑफ मनी इज डिमांड 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 डिपॉजिट डिपॉजिट होता है कि जब आपके पास सरप्लस पैसा होता है तो आप क्या करोगे बेड के नीचे तो छुपा के रखोगे नहीं तो सिक्योरिटी के लिए आप उसको बैंक में रखते हो इन अ डिपॉजिट इसको हम डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं क्योंकि अपने डिमांड पे जब मर्जी हो हम पैसा बैंक से निकाल के उसको यूज कर सकते हैं ठीक है, का एक फीचर होता है चेक अगर आपसे पूछा जाए वॉट आर फॉर्म ऑफ मनी ए क्वेश्चन इनमें से क्या फॉर्म ऑफ मनी नहीं है ठीक है ऑप्शन है कॉइन्स डिमांड डिपॉजिट कैश चेक तो क्या लिखोगे चेक ठीक है आप चेक करोगे डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी बट चेक जो है इट इज अ फीचर ऑफ द डिमांड डिपॉजिट ठीक है इट इज अ फीचर अगर आपके पास कोई डिपॉजिट ही नहीं है बैंक में और आपके पास रैंडम सा चेक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इट इज अ फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट ठीक है तो चेक क्या होता है चेक होता है एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू अनादरसन अकाउंट जिसका नाम आपने वहां लिखा है ठीक है इट इज इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द द अकाउंट टू पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड ये डिमांड डिपॉजिट का एक फीचर अगर आपका डिमांड डिपॉजिट है बैंक में तो आपके पास ये एक फीचर है जिसके थ्रू आप पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट द एक्चुअल यूज ऑफ कैश राइट right? अब हम आते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक जिसपे एक्चुअली क्वेश्चन काफी आते हैं कि व्हाट आर द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक या बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है तो बैंक क्या करता है दैट इट टेक्स मनी फ्रॉम पीपल हु हैव सरप्लस मनी पीपल हु हैव सरप्लस मनी जिसको डिपॉजिटर्स बोलते हैं दे डिपॉजिट मनी इन दी बैंक इन रिटर्न बैंक उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ठीक है बैंक ऑल्सो गिव्स लोन्स टू पीपल हु मनी जिनके पास पैसा कम है जिनको पैसों की जरूरत है उनको वो उधारी देता है एंड दे द अ चार्जेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोडोवर्स ठीक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो आप डिपॉजिटर्स को देते डिपॉजिटर्स को देते हो माइनस द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप बोरोअर्स से चार्ज करते हो दैट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक बैंकर्स पे लो इंटरेस्ट रेट ऑन टू एग्जांपल क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोन देती हूँ तीस साल का लोन है मेरे ऊपर इस घर का है तो अगर, अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो उस पर मिलता है मुझे सिर्फ चार इंटरेस्ट और जो मैंने होम लोन लिया है उस पर मुझे देना होता है ट्वेल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो इसका जो माइनस होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ दैंक

इसीलिए रूल है कि बैंक्स हैव हाँ टू कीप अ अ रिजर्व, आ रिजर्व कैश ऑफ़ परसेंट। तो अगर मैं सौ रुपए डिपॉजिट कर रही हूं तो पंद्रह रुपए बैंक को अपने पास रखे होंगे बाकी एट्टी फाइव रुपीज जो है वो लोन की तरह दे सकता है क्लियर यस yes, जिसको काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज किया जाता है है ना ना व्हाट आर द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस अगेन यू गेट अ क्वेश्चन कि क्रेडिट जो है किसी भी इंसान की सिचुएशन और पेनफुल कर देती है उसको इलाबरेट करो या क्रेडिट जो है बहुत पॉजिटिव है या क्रेडिट बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इलाबरेट करो है ना तो आप कहोगे कि पॉजिटिव रोल क्या है एग्जाम्पल दे सकते हो कि सलीम एक शू मेकर है ही टेक्स अ लोन

तो यहाँ पर सलीम जो है क्रेडिट के वजह से वो अपना ऑर्डर uh, पूरा कर पाता है एंड ही इज एबल टू मेक हिज बिजनेस बिग ही इज एबल टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ इज प्रोडक्शन उससे जो है उसके जो सारे नीड्स है प्रोडक्शन के ऑर्डर्स uh, uh, के वो पूरे होते हैं एंड देर बाई इज एबल टू इंक्रीज हिज अर्निंग्स या क्रेडिट प्ले अ वेरी वाइटल एंड पॉजिटिव रोल राइट

ठीक है तो इन स्वप्नास केस द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल क्योंकि क्रॉप फेल हो गया तो लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया शी हैज फॉलन इन टू ट्रैप तो क्रेडिट मेक्स हर सिचुएशन वर्स ऑफ इट पुशेज द बोर ओवर इन विच इज फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल कभी वो इतना पैसा कमा ही नहीं पाएगी कि वो अपना लोन भी वापस कर पाए इंटरेस्ट भी दे पाए और यू नो प्रॉफिटेबल भी हो तो हमेशा हमेशा जिंदगी भर काम करती रहेगी और लोन चुकाती रहेगी राइट right? चलो अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्रेडिट की शर्तें क्या होती है कोई आपको उधार देता है तो फ्री में तो देता नहीं है कुछ शर्तें होती है क्या शर्तें होती है उनकी उसको आप बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट राइट फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट किस रेट पे जो है आपको दिया जा रहा है आपको वापस देना होगा विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दूसरा है कोलैटरल वेरी इंपॉर्टेंट कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोस एंड इट इज यूज एज अ गारंटी बायर आज अगर आप मुझे बीस हजार रुपए का लोन दे रहे हो तो क्या गारंटी है कि मैं बीस हजार रुपए प्लस इंटरेस्ट वापस करूंगी तो मैं आपको बीस हजार रुपए वर्थ कुछ दूंगी जैसे अपना सोने का हार दे दूंगी या कुछ दूंगी जिसको अगर मैंने लोन नहीं चुकाया तो आप बेच के अपना लोन रिकवर कर सकते हो दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है और मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे पैसे वापस करोगे इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट राइट अलग अलग क्वेश्चन ऑफ लोन राइट इज अ प्लेस दैट विल इफ यू कैन प्रूव दैट यू डू नॉट नीड इट तो इसमें आप बैंक का पूरा लोन एक्टिविटी के बारे में बताओगे और ये भी बोलोगे कि बैंक आपको लोन तब देती है जब आप कोलैटरल देते हो है ना तो बैंक तभी लोन देगी इफ यू कैन प्रूव दैट यू डोंट नीड इट मतलब यू हैव टू गिव समथिंग एज अ गारंटी ऑफ इक्वल अमाउंट एज द लोन राइट चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट फॉर्मल सेक्टर होता है दैट इज uh, वो वाला लोन होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन होता है जो मनी लेंडर्स ट्रेडर्स फ्रेंड्स देते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की लोन एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करता सुपरवाइज नहीं करता फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन को सुपरवाइज किया जाता है इट इज रेगुलेटेड बाई द गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो है ना सुपरवाइज बाई आर बी आई नॉट सुपरवाइज बाई एनी अथॉरिटी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन जो है लो, एक हैल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है एज कंपेयर टू इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है अच्छा अब प्लीज लिसन टू द नेक्स्ट थ्री फोर स्लाइड वेरी वेरी केयरफुली क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा और आप कंफ्यूज हो जाते हो पहला क्वेश्चन क्या आएगा फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर जल्दी से चार्ट में बताते रहो अगर आपको आता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोग लोन क्यों लेते हैं क्योंकि पहला हो सकता है उनके रूरल एरिया में लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो ऑफ बैंक एंड ऑर्ग फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दूसरा क्योंकि जो है बैंक्स को लैक्ट्रल मांगती है डॉक्यूमेंटेशन मांगती है विच मेनी पुअर पीपल ऑफ आर कंट्री डोंट हैव एक्सेस टू दे डोंट हैव इट ओनली राइट तीसरा रूरल पीपल को आसानी से रिच हाउस से ट्रेडर से मनी लेंडर से लोन मिल जाता है इवन फॉर नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स जैसे शादी हो गई कोई बीमार हो गया जो बैंक से उनको नहीं मिलता चौथा

द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज इसको इलाबरेट करो कि इनफॉर्मल सेक्टर की जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए तो आप क्या कहोगे वन देर इज नो इज लेस एजुकेशन ये सब आप आखिरी पॉइंट में लिख सकते हो पर डोंट राइट इट एज अ फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि जो आपके अच्छे पॉइंट्स है उनको शुरुआत में लिखो अगर आपके वीक पॉइंट्स आप शुरुआत में लिखते हो तो अच्छा आंसर होने के बाद भी कम मार्क्स मिलते हैं ठीक है चलो आ, आप कह सकते हो कि हां वी शुड डिस्करेज इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज उसकी लोन एक्टिविटीज को डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि इनफॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट एक्टिविटीज को कोई सुपरवाइज नहीं करता गवर्नमेंट डज नॉट इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर सेकेंड दे नॉर्मली चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना एंड दे ऑफन यूज अनफेयर मीनस टू गेट देर मनी बैक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उसको पैसा वापस रिकवर करने के लिए अनफेयर मीन्स यूज करते हैं तीसरा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई क्यों क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो इंसान की अर्निंग्स है वो बहुत कम हो जाती है द अर्निंग्स इज यूज ओनली टू पे बैक द लोन विच बिकॉज ऑफ विच पीपल हैव लेस इनकम फॉर है इससे जो है लोग डेट और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं एंड पांचवा कुछ लोग होंगे जो अपना एंटरप्राइज खोलना चाह रहे होंगे अपना एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे होंगे बट वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ठीक है क्लियर ये पांच पॉइंट्स पांच मार्क का आंसर ये पांच पॉइंट्स ही आपको लिखने एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे राइट नॉट ऑथराइज बाय गवर्नमेंट लिखा तो है नो ऑर्गेनाइजेशन विद सुपरवाइजर द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैफ अब आपने ये लिखा फिर आपने दूसरा पॉइंट लिखा नॉट ऑथराइज बाई आरबीआई बेटा ये सेम पॉइंट है एक ही पॉइंट मिलेगा आपको एक ही मार्क्स मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन इसका आंसर एक बच्चे ने मुझे भेजा था जिसका आंसर अच्छा था बट उसने यही गलती की एक ही पॉइंट को दो तीन अलग अलग तरीके से शुरू में लिख दिया है ना चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट इसको इलेबरेट करो तो आप क्या कहोगे पहला मोर लेंडिंग वुड लीड टू हायर पहले तो आप ये लिखो कि यस चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट इफ अ कंट्री ऑफर्स चीप क्रेडिट प्रोडक्ट टू द पीपल ऑफ इट्स कंट्री देन इट विल एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एंगेज इन बिजनेस एंड सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो उससे क्या होगा लोग इन्वेस्ट करेंगे दूसरा पॉइंट आप क्या कहोगे चीप क्रेडिट से क्या होगा कि आफ्टर पेइंग बैक द लोन पीपल विल हैव सम इनकम लेफ्ट दैट दे कैन देन री इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस या दे कैन सेट अप देयर ओन एंटरप्राइज इससे क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये जो शब्द है फ्रेज है याद कर लो लिखना है आपको इस आंसर में क्योंकि कंट्रीज डेवलपमेंट पूछा गया है ठीक है तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि चीप क्रेडिट वुड ऑल्सो अलाउ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू एंटर फॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग एंड रिड डेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एट देंड ऑफ द इनफॉर्मल मनी लेंडर अगर हम चीप क्रेडिट देते हैं फॉर्मल सेक्टर से तो लोगों का डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर कम होगा खत्म होगा एंड पीपल विल बी एबल टू एस्केप द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइटेटिव हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर्स से हम उनको उनको बचा सकते हैं राइट इट मे इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर एंड लैंडलेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज़ डेवलपमेंट आप अगर फाइव मार्क करें आप सोचो और क्या पॉइंट लिखो तो यहाँ चौथा पॉइंट पिछले वाला जो आपका आंसर था

यस लोग डेट और डेट ट्रैप में फंसेंगे अगेन दिस विल लीड टू इंक्रीज इन पीपल आर इंक्रीज इन अंडर एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स लिख लो काम खत्म विद डेप मतलब कर्जा वेन यू आर नॉट एबल टू पे बैक लोन डेट ट्रैप मतलब वेन यूर नॉट अनएबल टू पे बैक योर लोन एंड यू हैव टू टेक अ फ्रेश लोन दस इंक्रीजिंग योर डेप्ट एंड यू विल नेवर बी एबल टू पे बैक योर डेथ तो उसको डेट ट्रैप बोलते हैं ठीक है चलो अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिटेड रूरल एरियाज यहाँ पर क्या होता है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव वीवर्स कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव वर्कर्स कोऑपरेटिव यहाँ जो प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं है ना फॉर एग्जांपल आपके अमूल हो गया जो फिशरमैन हो गया वीवर्स हो गए ये लोग जो है खुद मिलके रॉ मटेरियल खरीदते हैं चीजें बनाते हैं और खुद मार्केटिंग करके मार्केट में बेचते हैं विदाउट एनी मिडल मैन यहाँ पर किसी को भी फिशरमैन को की बोट खराब हो गई उसको पैसा चाहिए बोट ठीक कराने के लिए तो वो कोऑपरेटिव से पैसा लेता है एज अ लोन और वो जो लोन होता है दैट इज एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन इन सेक्टर कोऑपरेट

चालो ये मैं आपको बता चुकी हूं

लोन दिया जाता है किसको लोन दिया जाता है ये मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं आपस में और कभी-कभी आफ्टर ईयर और टू ऑफ रेगुलर सेविंग ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से भी लोन uh, लेती है एंड द लोन इज सैंक्शनड टू देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू नो सेविंग्स डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं तो अ लोन इज सैंक्शन टू देम एंड दिस इज यूज्ड टू क्रिएट सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स राइट अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिट्स क्या है प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेक्ट्रल को हटाता है बिकॉज नाउ द पुअर कैन डायरेक्टली टेक अ लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी कोलेक्ट्रल दूसरा है कि उनको वैरायटी ऑफ uh, uh, चीजों के लिए लोन मिल जाते हैं जैसे अगर बच्चा बीमार हो गया शादी हो गई उसके लिए भी लोन मिल जाता है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर तो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड फाइनली वुमेन को वो फाइनेंशियली सेल्फ एम्प्लॉयड भी करती है बट उसके अलावा वुमेन एक एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म वुमेन ऑल्सो डिस्कस अबाउट डोमेस्टिक इश्यूज न्यूट्रिशन डोमेस्टिक वायलेंस सो इट हैज बिकम अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंड एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म बन गया ये मोटू पतलू आप लेट हो और राइट मनी एंड क्रेडिट की बात करें तो आई टोल्ड यू फाइव टू टेन मार्क्स के क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो रोल ऑफ रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फंक्शन ऑफ आरबीआई क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ठीक है सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऑफ क्रेडिट हमारा डांस बहुत अच्छा था अच्छी बात है सड़ी हुई धूप में बिना सनस्क्रीन के मैंने वो डांस किया रेट ऑफ सेविंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी ऑप्शन डी इज करेक्ट ओए मेरा माइक

विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ़ ग्राफ़ से क्या एविडेंट है जल्दी से बता दो मैं फेल होने वाला हूँ कोई फेल नहीं होगा मेरी क्लास में है ना कोई फेल नहीं होगा चिंता ना करो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल हाउस होल्ड तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज हाइएस्ट है ना ए ऑप्शन ए थर्टी थ्री परसेंट Right, प्रसपर्स है इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश वो सबको मिल जाएगा बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो कर लेना चलो बताओ बातें करो दो मिनट एंड देन स्टार्ट विद ग्लोबलाइजेशन एन द इंडियन इकोनॉमी मैम हिंदी कौन पढ़ाएगा अभिषेक सर पढ़ाएंगे कितना टाइम लगेगा आई थिंक अब मिनट में हो जाएगा मैम बैंक डू बेटा वो बेचता है ना रिकवरी ऑफ लोन के लिए उसको बेच देगा रिकवर कर लेगा अपना लोन है ना छपाक एक मछली आई लाइक like, मैम एग्जाम एग्जाम कैसा गया एक मछली पानी में गई छपाक ऐसा गया एग्जाम राइट ऑक्शन right, में हाँ ऑक्शन ऑक्शन होता है देखा होगा आपने सीरियल वीरियल में ऐसा कुछ है ना नो लेट्स गो लेट्स गो वीडियो को थम्स अप दे दो वन शॉट वीडियोस आपको uh, इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले अगर आप पेज पे जाओगे तो वहां पर वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी ठीक है थैंक यू थैंक यू हिस्ट्री का हो चुका है बच्चा हिस्ट्री का हो चुका है आप नहीं आए देख लेना ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनमी चैप्टर को ना आप कॉन्सेपचुअली समझो बस मतलब मैं बता रही हूँ एम सी क्यू आएगा जो टू मार्कर आएगा वो मैं आपको बता दूंगी आपको क्या याद करना है बट कॉन्सेप्चुअली समझो अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जो सिलेबस में टेक्निकली नहीं है बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि वैसे एम सी क्यू आ जाते हैं बेज होने और सैम्पल पेपर क्वेश्चन ठीक है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ग्लोबलाइजेशन होता है रैपिड इंटरकनेक्टेडनेस uh, या इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज जब फ्री फ्लो होता है ऑफ कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स आज मैं पैसा भेज सकती हूँ सिंगापुर में यूएस से सामान मंगवा सकती हूँ थाईलैंड का थाई गुआवा मंगवा सकती हूँ आज अगर कहीं वॉर हो रहा है तो जो है उसके वजह से पेट्रोल प्राइस इंडिया के बढ़ रहे हैं ऑल ऑफ दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना ग्लोबलाइजेशन इन शॉर्ट क्या होता है ग्लोबलाइजेशन होता है जो फ्री मूवमेंट होने लगा है ऑफ कैपिटल ऑफ गुड्स ऑफ लेबर यू नो टेक्नोलॉजी इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं अब ये सब क्यों हो रहा है क्यों इतना रैपिड रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो गया है दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की वजह से आज पैसा इधर से उधर जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा तेज हो गया है ठीक है अब इसको अंडरस्टैंड डोंट रीड एनीथिंग आई हैव जस्ट पुट इट हियर फॉर माय रेफरेंस पहले क्या होता था जब ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा तेज नहीं था इंडिया में बिफोर 1991 आपको दिखती थी एक मारुति कार सब लोग चला रहे हैं एक तरीके की टी शर्ट सब लोग पहन रहे हैं बट आज हम क्या देखते हैं कि रोड पे काफी सारी वेराइटी ऑफ कार्स आ गई है हर ब्रांड आपको मार्केट में मिलता है जूता भी हजार तरीकों का मिलता है दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना दिस इज द फैक्ट कि आजकल कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं जिसकी वजह से बाकी फैक्ट्रीज बाकी एमएनसीज अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में स्टेब्लिश कर पा रहे हैं एंड यू कैन गेट अ वेराइटी ऑफ गुड्स तो ग्लोबलाइजेशन में किसका फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन में हमारा फायदा हुआ है कंज्यूमर का क्योंकि अब हमें क्वालिटी ऑफ गुड्स भी मिलने लगी और वेराइटी ऑफ गुड्स भी मिलने लगी प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो एम बन गए हैं बिकॉज ऑफ़ ग्लोबलाइजेशन जैसे इन्फोसिस हो गया है ना और रिलायंस हो गया है ना तो आ, 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 अदानी हो गया ऑल ऑफ देम हैव यूज ग्लोबलाइजेशन हैव यूज ये कैपिटल जो वेदांतों ने कितना कैपिटल उठाया है बाहर के कंट्रीज़ के कंपनीज से है ना ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन राइट right? बट कुछ छोटे प्रोड्यूसर्स है स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन डेवलप स्पेशली हमारे टाइप देशों में जिनका जिनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इसको रटना नहीं है इट्स नॉट टेक्निकली इन द सिलेबस मैं समझा रही हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ आए है ना एमसीक्यू कभी कभी ट्रिकी आता है क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक छोटे से टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर हो आप टॉयज बना के जो है मार्केट में बेचते थे सब लोग आपके पास आके आपका टॉय खरीदते थे है न? पांच रुपए का एक टॉय अब क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइनीज वाले भी आके अपना जो टॉय है वो दुकान में बेचने लग गए अब वो पांच रुपए का भाई साहब ये मैं तोड़ती रहूंगी है ना सब रिकॉर्ड हो रहा है अब वो पांच रुपए का नहीं दो रुपए का बेच रहे हैं अब लोग क्या करेंगे लोग कहेंगे यार इससे क्यों खरीदे हम तो दो रुपये वाला चाइनीज टॉय खरीदेंगे है ना अब वो दो रुपए का इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां के टॉय मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प कर रही है सपोर्ट कर रही है तो उनका कॉस्ट कम है तो दो रुपये में वो बेच पा रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन ने आपका जो खाना पीना है वो तो आपके हाथ से निकाल लिया आपका टॉय कोई खरीदना नहीं चाहता है ना तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर पर प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये वेरीड इम्पैक्ट लाया है कुछ लोगों को फायदा मिला है कुछ लोगों को कम फायदा मिला है ठीक है अब यहां आता है एक और कॉन्सेप्ट कॉल्ड एम मल्टीनेशनल मल्टी नेशनल कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है हु ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन है ना जैसे कि अगर कोई कंपनी है जैसे लेट्स से एप्पल एप्पल जो है उसका प्रोडक्शन अब इंडिया में वो शिफ्ट कर रहा है चाइना से है ना तो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसकी जो नई टेक्नोलॉजी बन रही है जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो यूएस में बन रहा है लंदन में बन रहा है उसका डिजाइनिंग है ना फाइनली जो है वापस वहां जाके पूरी दुनिया में बेचा जाता है उसके जो इक्विपमेंट्स है वो मेक्सिको से आते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है और उसका जो कंजप्शन है वो पूरे देश में अलग अलग देशों में हो रहा है ऐसा क्यों है क्या फायदा है इसका इसका ये फायदा है कि एम का मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और आप प्रॉफिट तभी अर्न कर सकते हो जब आपका कॉस्ट प्राइस कम हो होना दो रुपए में बनाई हुई चीज ही तो आप बीस रुपए में बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे दस रुपए की बनाई हुई चीज बीस रुपए में बेचोगे तो सिर्फ दस रुपए का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस आप हाँ, एम एनसीज कम करती है बाई लुकिंग फॉर कंट्रीज जहां पर उनको लो कॉस्ट में लेबर मिले लैंड मिले इलेक्ट्रिसिटी मिले लो कॉस्ट जब उनको यू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वहां पर एम सेटअप होती है राइट सो दे लुक मतलब ये है ठीक है अब यहाँ पर दो चीजें हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड अगेन क्या याद करना है आंसर के लिए मैं बता दूंगी अभी बस समझ लो फॉरेन ट्रेड होता है कि आज भाई ये बोतल जो है मैं बाहर के कंट्री में बेच रही हूँ और कोई बाहर का कंट्री अपना सामान इंडिया में बेच रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जैसे एप्पल ने अपनी कंपनी इंडिया में खोली अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोली तो पैसा डाल रहा है वो इंडिया में है ना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट uh, जनरेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ठीक है foreign investment. तो द रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड इज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज ठीक है ये पार्ट मैं नहीं करवा रही uh, क्योंकि इतना मेरे हिसाब से काफी है आउट ऑफ सिलेबस समझना ठीक है अब हम आते हैं मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड तो मूवमेंट तीन तरीके की होती है गुड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग जो है काफी ज्यादा मूवमेंट करने लगे हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन काफी बढ़ गया है कुछ सालों में आपने नोटिस किया होगा कभी कभी रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है जैसे कोविड के टाइम रिस्ट्रिक्ट हो गया था तो कुछ चीजें महंगी हो गई थी क्योंकि सामान आराम से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था है ना तो ग्लोबलाइजेशन वो होता है ठीक है अब क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव ग्लोबलाइजेशन पहला है टेक्नोलॉजी रैपिड दो दो रीजन है क्यों ग्लोबलाइजेशन इंडिया में जो है फैसिलिटेट हुआ है वर्ल्ड ओवर पहला है टेक्नोलॉजी दो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के वजह से गुड्स लॉन्ग डिस्टेंसेस चीपली एंड फास्ट जो है ट्रैवल कर पा रहे हैं जिसके वजह से सामान फॉरेन ट्रेड फॉरन यू नो आराम से हो पा रहा है एंड ग्लोबलाइजेशन बड़ा है दूसरा है टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टुडे वी आर एबल टू कम्युनिकेट अक्रॉस द वर्ल्ड एट अ स्नैप ऑफ योर फिंगर जिसके वजह से आप आराम से ट्रेड कर पा रहे हो दूसरा है पैसा आप कैपिटल भी आराम से जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू सेंड uh, uh, कर पा रहे हो ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो विदाउट अ लॉट ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ टाइम जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट हुआ है राइट दिस हैज फैसिलिटेट ये सब तो ठीक है क्योंकि यार देखो अब आप लिख सकते हो कि यू आर एबल टू पे द अदर पर्सन थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल गूगल पे यूर मार्क्स नहीं कटेंगे इससे एंड दैट हेज लेट टू अ रैपिड इंक्रीज इन फॉरिन ट्रेड ठीक है दूसरा रीजन ट हैज फेसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन इज फॉरन ट्रेड पॉलिसी ये दोनों पास आपको याद करके जाना है टू मार्कर की तरह आएगा है ना फॉरन ट्रेड पॉलिसी तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरन ट्रेड एंड फॉरिन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब फाइव मार्कर की तरह भी आए तब भी लिख सकते हो बहुत सारी चीजें लिखने के लिए आएगा नहीं मेरे हिसाब से बट फिर भी लिबरलाइजेशन क्या होता है लिबरलाइजेशन होता है ओपनिंग अप लिबर मतलब फ्री होता है है ना लिबर मतलब फ्री तो लिबरलाइजेशन एक तरीके से फ्रीडम ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन मार्केट ठीक है तो पहले क्या होता था पहले ट्रेड बैरियर होता था ट्रेड बैरियर क्या होता है फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन इम्पोर्ट है ना जैसे इंडिया है बिफोर नाइनटीन इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जब जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बेहतरीन चीज रियलाइज की और वो ये रियलाइज की कि हमारे जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स है वो अभी बहुत छोटे फेज में है बहुत इन्फेंट है वो उनको सपोर्ट की जरूरत है हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है अगर हमने अपने देश को खोल लिया बाकी कंपनीज के लिए तो वो हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स को खा जाएंगी तो आर प्रोड्यूसर्स रिक्वायर हेल्प एंड सपोर्ट इन द इनिशियल ईयरस आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ट्रेड बैरियर लगा रखे थे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि यहां पर कोई बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता इंडिया में कोई बड़ी कार कंपनी इंडिया में आ, यू नो नहीं आ सकती और अगर आएगी अगर आपको इंपोर्टेड कार चाहिए तो बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ेगा सो दिस इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट तो एक तरीके से आप बैरियर लगा रहे हो आप खरीदोगे इतनी महंगी गार जो बाहर जो है पांच रुपए की मिलती है आपके आ, आ, देश में सौ रुपए की मिलती है आप नहीं खरीदोगे है ना सो दिस वॉज अ ट्रेड बैरियर दैट वॉज प्लेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू डिक्रीज फॉरिन ट्रेड एंड टू एंश्योर कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो है ग्रो करें पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया इसलिए आज इंडिया के पास इतनी सारी एम एनसीज और पाकिस्तान के पास नहीं है सो दैट वॉज अ वेरी गुड स्टेप जो हमारे गवर्नमेंट ने लिया राइट right? अब क्या हुआ द गवर्नमेंट डिसाइडेड इन नाइनटीन नाइनटीज की टाइम हैड कम कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स है कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड उन्हें रियलाइज हुआ कि जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो इंडियन प्रोड्यूसर्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी है ना और थोड़ा प्रेशर भी था फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइट तो इसीलिए द डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाई पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट ने नाइनटीन नाइन्टी वन में लिबरलाइजेशन पॉलिसी निकाली अंडर विच बैन ऑन फॉरिन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू ईज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसके बाद आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनीज और यू नो फॉरेन ट्रेड भी करते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट uh, भी करते हैं

ज ऑल यू नीड टू नो फ्राम दिस चैप्टर अब जी ट्वेंटी का एक छोटा सा पार्ट है जिसपे मैं पहले से वीडियो कर चुकी हूं आज हम उसको नहीं करेंगे बस जनरल समझ लो जी ट्वेंटी को कुछ एमसीक्यूज uh, करेंगे बस ठीक है चलो क्वेश्चन वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन नाइनटीन नाइनटी वन टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्मेंट बेटा गवर्नमेंट नहीं टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्मिक्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट वॉन्टेड इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कंपीट इन दर्ल्ड मार्केट सही आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन क्या फाइव मार्कर आ सकता है जी ट्वेंटी पे यार मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि आना ही बहुत ज्यादा कम चांस है आएगा तो वन मार्कर मैक्सिमम टू मार्कर आ जाएगा बट नहीं आएगा सच इस चैप्टर से ओवरऑल दो से तीन मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे

लाइफ uh, कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि इसमें लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया था विच इज महात्मा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होती है दैट ठीक है चलो वेन वॉज जी ट्वेंटी फाउउंड एंड वॉट लेट टू इट्स फॉर्मेशन टू क्वेश्चन मैम नहीं बेटा इट वॉज इन नाइनटी नाइन आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस

ठीक जी ट्वेंटी देखो आपकी मर्जी है न, नहीं करोगे तो कितने मार्क्स छूटेंगे बट कर लो इसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है आधे घंटे का है देख ले देख सकते हो रीड आती हाँ काफी है ओके okay. मैम रोस्ट नहीं किया किसको रोस्ट करना है भाई आप लोगों को हाँ इस चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे टू मार्कर भी आ सकता है ग्लोबलाइजेशन से फाइव मार्कर भी आ सकता है यार देखो देने को तो कुछ भी दे सकते हो फैक्टर्स एड एनिमिल ग्लोबलाइजेशन फाइव मार्कर की तरह भी आ सकता है है ना पर आप लिख भी सकते हो फाइव मार्कर की तरह बहुत चीजें लिखने को बट उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता वही क्वेश्चन आएगा है ना एमसीक्यू आएंगे ज इट फॉर टूडे आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा uh, आज हम छह बजे मिलेंगे विद ट्वेंटी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया टू कम फॉर दैट वी क्विस्ट भी होगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नाउ दट सेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना वॉट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू वर्क फ्रॉम मी वीडियो को थम्सअप दे दो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो पी डी एफ डाउनलोड जरूर कर लेना कल तक अपडेट हो जाएगा इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ठीक है ई मेल आई डी और यार डाउट्स लंबे लंबे पूछोगे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी बट इट्स डॉट गुप्ता एट द रेट विदांतु डॉट कॉम ठीक है बाय लव यू